दोस्तों फाइनली 20 लाख करोड़ रुपए का जो आत्मनिर्भर पैकेज पैकेज फॉर न्यू इंडिया था, उसका सारा ब्लूप्रिंट, सारा फाइन प्रिंट जो है वो आ गया है। सरकार ने जो भी अपनी मंशा थी वो सारी जाहिर कर दी है कि पैकेज को कैसे रूपरेखा तैयार की है, कैसे रंग दिया है। मेरे कई दोस्तों ने मुझसे जानने की कोशिश की थी, मुझसे पूछ भी रहे थे सोशल मीडिया पे, मुझे फोन करके भी उन्होंने पूछा कि बताइए कि ये पैकेज हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, या ये पैकेज का आने वाले दिनों में हमारे देश में हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ने वाला है। दोस्तों जैसे मैं आपसे शुरू से ही बोल रहा था, डिस्कस कर रहा था, मैंने पहले ही कहा था मुझे ज्यादा उपेक्षा जो है पैकेज से नहीं है, क्योंकि एक वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन वो होता है जिसको हर चीज के बारे में पता हो। तो आप सबको भी ये पता होगा कि जब डोनेशंस का सिलसिला शुरू हुआ, जो सरकार ने अब पीएम केयर फंड शुरू किया, तो ये चीजें थी कि जो थोड़ा सा क्या लग रहा था कि शायद जो है हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनता भी इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, और जनता ने लिया भी, कारपोरेट ने भी खूब जो है उसमें अपनी तरफ से भी खूब सहयोग दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब डीए की इंस्टॉलमेंट काटी गई, और जब जो मैंने भी एक वीडियो पहले भी पोस्ट किया था कि एमपी लैड फंड, उसका भी मैंने जिक्र किया था, जब वो भी रकम जो है सरकार द्वारा बोला गया कि 2 साल के लिए हम इस रकम को रोकते हैं, और कोरोना के जो इफेक्ट हैं उस कोरोना से लड़ने और आफ्टर इफेक्ट्स पे लगाएंगे, तो ये बात तब भी समझ आ जानी चाहिए थी कि कंट्री में कहीं ना कहीं क्या है, पैसे की दिक्कत है सर, और ये फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो हमारी कंट्री की अभी इतनी अच्छी नहीं है। पिछले 2-2.5 सालों से अगर आप गाड़ियों की बिक्री देखोगे, लोगों के रोजगार को देखोगे, हर चीज को देखोगे, तो इसमें क्या है, अपनी जीडीपी ग्रोथ को देखोगे, तो ये सारे आंकड़े जो है इस पे एक नजर रखनी चाहिए थी। कैसे इंडस्ट्री जो है हर बार सरकार से मदद की गुहार कर रही है, पहले भी करती थी, अभी भी कर रही है, तो इन सब पे जो है एक जो मैंने एक नजर काफी देर से बना के रखी हुई थी। तो मैं शुरू से ही मुझे ये उम्मीद थी कि ऐसा सरकार के पास कोई जादू की चीज नहीं है कि वो घुमाएगी और हम जो है कोरोना से मुक्त हो जाएंगे और हमारे देश को अरबों का करोड़ों का पैकेज जो है मिल जाएगा। लेकिन सरकार ने बहुत अच्छा किया जो एक, हालांकि इसको मैं पैकेज की अगर रूपरेखा देना चाहूंगा तो लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या थी कि जैसे यूएसए में, कनाडा में, क्योंकि सोशल मीडिया में भी ये चीज मैंने पढ़ी, राहुल बजाज ने भी अभी इंटरव्यू दिया बजाज मोटर्स के, उन्होंने भी कहा कि मेरे भी कई दोस्त हैं वो भी पैकेज के बारे में जब बात करते हैं तो हम भी एक्सपेक्ट करें कि सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए था। मैं भी सोचता हूं करना तो चाहिए था, करने को तो बहुत कुछ होना चाहिए था, लेकिन हमें अपनी लिमिटेशंस का भी पता होना चाहिए। वो कैसे है कि अगर आप बजट को एनालाइज करेंगे तो पिछले साल का जो डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट था वो भी पूरा नहीं हो पाया था, तो और जो इस टाइम हमारे पास हमारा इस साल का जो बजट था उसमें तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए का जो प्रोविजन रखा गया था वो किससे था, डिस इन्वेस्टमेंट का टारगेट था, जो अब पूरा होता नजर नहीं आ रहा इन सिचुएशन में, इन कंडीशंस में, क्योंकि ये कोरोना कब तक जाएगा इसको कोई पता नहीं। मैं शुरू से 2 महीने से की बात कह रहा हूं, आज मैं फिर अपनी बात दोहराता हूं, कोरोना तभी जाएगा जबकि इसकी दवाई आएगी, तब तक हम सबको इससे बच के रहना पड़ेगा। अब आइए हम पैकेज पे बात करें, पैकेज क्या था, पैकेज की रूपरेखा क्या थी। जहां ज्यादातर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सरकार उनकी जेब में, जैसे विदेशों में किया जा रहा है वैसे ही उनकी जेब में पैसा डालेगी, आप अगर चैनल पे भी देखेंगे तो वहां पे क्या बताया जा रहा था लोगों को, ऐसा पिछले 1-1.5 महीने से बताया जा रहा था कि अभी पैकेज आएगा और आपको राहत मिलेगी, राहत मिलेगी, राहत मिलेगी, लेकिन राहत मिली ऐसा नहीं है, राहत नहीं, राहत मिली कि अगर कोई लोन डिफॉल्ट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, कुछ होता है, जितना अगर आप टोटल पैकेज के एनालाइज करोगे तो लोन बांटने में ही जोर था। बट मुझे एक चीज समझ नहीं आई जो मैं भी फेल हो गया समझने में, घोषणाएं जो की गई ये क्या पैकेज की घोषणा थी या एक नए भारत को निर्माण की घोषणा थी? अगर ये एक पैकेज की घोषणा थी तो इसमें पैकेज से ज्यादा क्या था, एक भारत, नए भारत का निर्माण कैसे किया जाए ये उसकी योजना थी। कोरोना से लड़ने की मुझे इसमें कोई वो नहीं नजर आई।
प्रधानमंत्री जी स्लोगन बहुत अच्छे, ऐसे स्लोगन हर एक साल 1.5 साल बाद सुनने को मिलते हैं। पहले भी हमने सुना था जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। ये डिफेक्ट का बीच में कहां से तब वो बना और उसके बाद वो स्लोगन कहां गया कोई पता नहीं है। उसके बाद क्या है, क्योंकि उनकी एक इंटेंशन थी कि यहां पे जो है प्रोडक्ट को है वो क्या है, कहीं ना कहीं फाल्टी बनता है तब जाके ये विदेशों में एक्सेप्ट नहीं होता। तो जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट का ये मतलब था। उसके बाद आया मेक इन इंडिया, कुशल भारत कौशल भारत, ऐसे स्लोगन आते गए और आगे चलते गए। अब आया आत्म निर्भर, यस आत्म निर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान, वोकल फॉर लोकल। नो डाउट स्लोगन बहुत अच्छा है, सब कुछ है। मैं पर्सनली इस चीज का काफी सालों से जो है मैं एडवोकेसी कर रहा हूं कि जब से मैंने चाइना को देखा मेरे को एक ही चीज ना समझ में आती थी कि हमारे इंडिया में ऐसा क्यों नहीं, हमारे इंडिया में ऐसा क्यों नहीं। फाइनली जो है वो चीज की तो गई, लेकिन ये भी कोई रिजल्ट नहीं ला पाएगा। ये भी जो चीज है, ये आत्मनिर्भर अभियान भी ये रिजल्ट नहीं ला पाएगा। हाँ, इनसे जरूर फायदा होगा जो सोशल मीडिया में शुरू हो गया है, जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है आपकी वो अपना शुरू कर दिया उन्होंने कि हम पेस्ट जो है वो किसकी करो, वो दंत कांति करो, वो पतंजलि की करो, वो डाबर बबूल की करो, वो फलाने की करो, पेप्सोडेंट छोड़ो, ये सब विदेशी है, ये है वो है। दो चीजें समझो, या तो आप सस्ता ढूंढो या तो बढ़िया ढूंढो। सस्ता ढूंढना है तो वो शायद आपको इंडियन प्रोडक्ट सस्ते जरूर मिलेंगे, वो भी आई एम नॉट होपफुल कि वो इतने सस्ते मिलेंगे कि वो चाइनीज प्रोडक्ट से कंपैरिजन कर पाएंगे। और हर आदमी चाहता है कि दो पैसे मेरे बचे, यस दो पैसे मेरे बचे। जैसे अब दिवाली की ही लाइटों की एग्जाम्पल लो कि किसी जमाने में क्या था, हमारे यहां पे दिवाली की लाइटें आती थी 200-200, 300-300, 400-400 रुपए की। वो बड़े बड़े बल्ब होते थे और उसके बीच में परोए जाते थे, और उसके बाद चाइनीज लाइट आ गई 20 रुपए 30 रुपए में, और हमारी वाली लाइट जो है वो खत्म हो गई। ऐसा ही ज्यादातर प्रोडक्ट्स के साथ सेम चीज हुई। आप जो है आत्मनिर्भर भारत की बात तो आपने कर दी, एमएसएमई को आपने पैकेज तो दे दिया, आपने सब कुछ कर दिया, आपने प्राइवेटाइजेशन के रास्ते भी दिखा दिए कि हर जगह जो है प्राइवेटाइजेशन होगी, इवन स्पेस एक्सप्लोरेशन इसरो हर जगह से आपने जो है जहां जहां पे आप कर सकते थे आपने कोरोना को आगे रख के हर जगह पे प्राइवेटाइजेशन का एक नया नारा दे दिया। ये कोई, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, प्राइवेटाइजेशन करके फायदा क्या होगा? आपने कोल इंडिया में भी आपने बोला, उसके बाद कोल की खदानों के लिए भी बोल दिया, लेकिन मुझे एक चीज समझ जो समझ में मेरे को नहीं आ रही, और जो देश भी आज समझने में मुझे लग रहा है कि कामयाब नहीं हो पा रहा, वो ये है कि आपने जब टेलीकॉम प्राइवेटाइज किया, बीएसएनएल एमटीएनएल बीएसएनएल आपकी कंपनियां जो है खत्म हो गई, आपने प्राइवेट एयरलाइन शुरू की, आपकी एयर इंडिया खत्म हो गई। आपने जो है जब जब जिस जिस जगह में प्राइवेटाइजेशन की, कंपेरेटिव सरकारी जो कंपनियां हैं वो खत्म हो गई। आपने तेल में प्राइवेटाइजेशन किया, आपकी ओएनजीसी जो है आज आप देख लो किस भाव पे है। आप आज जो है कोल इंडिया को मतलब कोल सेक्टर को प्राइवेटाइज कर रहे हो, कल तो कोल इंडिया भी जो है वो भी खत्म हो जाएगी। सरकार के पास रेवेन्यू का सोर्स क्या बचेगा फिर? हर चीज जब प्राइवेटाइज हो गई, जब हर चीज आपने बेच दी डिस इन्वेस्टमेंट करके ये करके, सरकार के पास इनकम का सोर्स कहां से आएगा? क्या प्राइवेट वाले इतना रेवेन्यू जनरेट करके गवर्नमेंट को देंगे? ये एक चीज जो है सोचने वाली है। वही आत्मनिर्भर भारत की बात चली, तो क्या जो आज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एमएसएमई के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या भारत उससे आत्मनिर्भर बन सकता है? ऐसी कोई भी जो है घोषणा जो सॉलिड है वो मुझे समझ में नहीं आई। 2 मिनट के लिए जो आज एमएसएमई जो है वो आपने लोन तो उसको दे दिया, गारंटी दे दी, भारत सरकार उसको पूरा सपोर्ट कर रही है, बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है कि आज मुसीबत के वक्त में सरकार उनके साथ खड़ी है। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट बना के बेचेंगे किसको, जब आपके पास डिमांड ही नहीं है? आज आपका जो मजदूर है, जो आपका माइग्रेंट वर्कर है, जो लेबरर है, वो अपना क्या है, अपना जहां फैक्ट्री में जिस जगह वो रोजगार करता था उसको छोड़ के वो अपने घर की तरफ निकल पड़ा, पैदल ही निकल पड़ा। ये प्रोडक्शन कहां से फैक्ट्रियां करेंगी?
क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये माइग्रेंट वर्कर दोबारा महीने दो महीने में उठ के आ जाएंगे? क्या आपने कोई ऐसी पॉलिसी निकाली कि फॉरन से अगर ये एमएसएमई जो कंपनियां हैं ये कोई मशीनें लाती हैं तो हम इन पे जो है इंपोर्ट ड्यूटी जीरो लेंगे? मैन्युफैक्चरिंग तो मशीनें करेंगी, जिस पे आने जो मशीन वहां से 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ की आती है वो इंडिया में आते आते 8-10 करोड़ में पहुंच जाती है, ऑलमोस्ट कीमत उसकी डबल हो जाती है सब कुछ इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स वैक्स और हर चीज डाल के उसकी इंस्टॉलेशन डाल के। कौन सा जो एमएसएमई सेक्टर है वो इस इन्वायरमेंट में आपसे नया लोन लेके वो क्या करेगा, वो आपसे बिजनेस को एक्सपेंड करेगा या वो लोन लेके अपने मुलाजिमों को सैलरी देगा? कौन सा बिजनेस ये काम करेगा? कहीं पे भी डायरेक्ट बेनिफिट जो कंजम्पशन था उसके ऊपर जोर नहीं दिया गया। लोन लोन और लोन, हम इतना लोन देते हैं इस सेक्टर को, इतना लोन देते हैं। 5 दिन में जो मैंने पूरी डिबेट सुनी, जो मैंने पूरा एनालिसिस दिया, वो सिर्फ एक ये था कंपोनेंट आ रहा है, लोन मनरेगा और डिसइन्वेस्टमेंट। 6 एयरपोर्ट डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे, 6 एयरपोर्ट प्राइवेटाइज कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। आप थोड़ा मतलब आप, मुझे लग रहा है कि इशू कितना सेंसिटिव है। अगर फैक्ट्रियां माल बना रही हैं उनकी कंजम्पशन होनी चाहिए, वो कंजम्पशन के लिए क्या दिया गया? पहले भी जो कारपोरेट रेट टैक्स किया गया 1,60,000 करोड़ का, जिसपे शेयर मार्केट ने काफी उछाल मारा था, वो भी गलत डिसीजन था। आप कारपोरेट को जितना मर्जी फायदा दे दोगे वो अल्टीमेटली कंज्यूमर को फायदा नहीं देंगी। उन्होंने क्या किया, अगर आपने किसी प्रोडक्ट में जीएसटी के रेट काम किए, उन्होंने उसकी अपने साबुन की तेल की किसी की 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम क्वांटिटी बढ़ा दी, कीमत कम नहीं की। लाइफ बॉय हो गया या कोई चीज हो गई। अब दूसरी बात रही आत्मनिर्भर भारत की, जो रामदेव जी जो सामान बेच रहे हैं वो कहते हैं जी हम स्वदेशी का नारा दिया उन्होंने। वो शुरू से एक बात कह रहे हैं, मेरा प्रोडक्ट जो है वो 100% स्वदेशी है। भाई साहब आपका प्रोडक्ट स्वदेशी है माना, बट आपका प्रोडक्ट जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी के जितनी ही कीमत ले रहा है, प्रोडक्ट सस्ता नहीं है आपका, कीमत में किसी तरह से एक शहद आप पकड़ के ले आए। बाकी कोई प्रोडक्ट की कंपैरिजन करो ना, इतनी लंबी लिस्ट है। आपने हैंड सैनिटाइजर बोल दिया, ये फलानी कंपनी इतने की दे रही है, ये हम इतने की दे रही है। 90% जो आपका प्रोडक्ट है वो एड पार है, कईयों की तो कीमत भी आपकी ज्यादा है, क्योंकि आप एमआरपी को अगर कंपैरिजन करते हो मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोडक्ट में जो है ये दुकानदार फिर कोई डिस्काउंट दे देता है 330-335 रुपए की। मैं एक सोशल मीडिया पे देख रहा था, वहां आपने आटे का जो है आटे के बैग का कंपैरिजन किया था, आपके आटे का बैग और आशीर्वाद के आटे का बैग ना, आपके आटे का बैग एमआरपी से कुछ चारा ने काम नहीं करेगा। आशीर्वाद का आटा आपको 325-335 रुपए का 10 केजी का बैग कोई भी दुकानदार जो है अच्छा दुकानदार वो आराम से दे देता है। ऐसे ही वो बाकी प्रोडक्ट में डिस्काउंट देते हैं, आपके प्रोडक्ट में 5 पैसे का डिस्काउंट नहीं है। आपका घी किसी भी दुकान पे लेने जाओ, एक तो एमआरपी बाकी घी से ज्यादा है, दूसरा आपके घी को हर दुकानदार एमआरपी पे देता है, बाकी घी आप भी ट्राई करके देख लो आपको 50-60 रुपए सस्ता ही मिलेगा। आपके आपने क्या किया, आपने एक जो फोर्थ थी जो आपके फॉलोअर्स थे आपने उनको अपने पीछे लगाया, उनको प्रोडक्ट दिया, उनको बोला मैं स्वदेशी 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 करके आपने क्या किया, काफी अच्छा मुनाफा कमा लिया। आपने क्या किया, आपने जब से रुचि सोया खरीदी है आप देखो कि खाने के तेल का भाव कहां से कहां पहुंच गया। जो फॉर्चून का पैकेट 80-85 रुपीज का आता था आज वो भी 110-115 रुपए का बिक रहा है। महाकोश जब तक ये रुचि सोया के पास थी वो 70-75 रुपए का पैकेट आता था, आज आप देख लो कीमतें कहां से कहां पहुंच गई हैं। आप स्वदेशी की बात कर रहे हो, ग्राहक जो है जिसके पास लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है वो प्रोडक्ट को सस्ता लेगा वो या वो स्वदेशी की तरफ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग पे अगर मशीनों पे आप 100% इंपोर्ट ड्यूटी माफ कर देते, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, आप एक्सपेंशन करो, मेक इन इंडिया तब सक्सेसफुल होना था, आत्मनिर्भर भारत तब सक्सेसफुल होना था। सेकंड, अभी एक मैं वीडियो और लाऊंगा, मैं उसमें भी एनालाइज करूंगा चाइना जो है वो आगे बढ़ा क्यों, बढ़ा क्या रीजन था उसका आगे बढ़ने का। 5 दिन के पैकेज में ऐसा कोई भी नहीं है, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है। आज सारे इंडस्ट्रियलिस्ट क्या बोल रहे हैं,
सारे उद्योगपति ये बोल रहे हैं कि पैकेज में डिमांड बढ़नी चाहिए थी, 2-4-5 लाख करोड़ रुपए की डिमांड कंट्री में बढ़ती तो जाके जो है हमें रिजल्ट नजर में आता कि हमारी कंट्री में जो है हम कोरोना से जीतने में कामयाब हो गए। डिमांड को बढ़ाने के लिए एक भी घोषणा नहीं हुई। एक इंडस्ट्रीज जो ऑलरेडी जो कर्जे में डूबा हुआ है वो दोबारा कर्जा क्यों लेगा कि उसका किंगफिशर जैसे हालात हो, कल उसको भी देश छोड़ के भागना पड़े, उसकी भी पूरी प्रॉपर्टी अटैच हो और फिर उसको उस पर भी ठप्पा लगे कि इसने क्या किया, इसने पैसा लिया और भाग के खा के भाग गया। जो रियल इश्यूज थे, रियल इश्यूज एड्रेस ही नहीं हुए। 5 दिनों में इश्यूज कुछ और ही एड्रेस होते रहे। वो इश्यूज एड्रेस हुए जिनकी अभी जो थी वो प्रायोरिटी ही नहीं थी एड्रेस होने की। जो प्रधानमंत्री जी चाहते थे नए भारत का निर्माण, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने हर किसी की बात सुनी, सब कुछ किया, लेकिन ऐसा होता है कि वो सुनती सबकी है लेकिन अल्टीमेटली वो कुछ ऐसा लेके आती है जिसको जो है वो मार्केट, जो बिजनेस वर्ल्ड है, जो लोग है वो पसंद ही नहीं करते। अब पब्लिक में सर्वे करवा के देखिए, इसी चैनलों के सिवाय कोई ये नहीं बोल रहा, ट्विटर पे देखिए, कहीं देखिए, कहीं कोई बड़े बड़े जो आपके इकोनॉमिस्ट हैं उनका देखिए, कोई कोई एक आदमी जो है वो भी प्रेज नहीं कर रहा। स्टॉक मार्केट कहां जा रही है? आज जैसे ही आपका पैकेज आया, ये अनिल सिंघवी जी बोलते हैं LTCG कट करना चाहिए था। मैक्सिमम जो स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं वो यही सोच के बैठे थे कि शायद मार्केट के लिए भी कुछ हो, LTCG ही कट करे, क्योंकि यहां पे एक समझने वाली बात है जो सबको समझनी चाहिए। वाइब्रेंट स्टॉक मार्केट जो है वो किसी देश का आईना होती है। आज आप देखो जिस हिसाब से US मार्केट नीचे आई थी, आज ये वापस वही लेवल पे पहुंच गई। मैं पर्टिकुलर एक ताइवान की मार्केट की ट्रैक करता हूं। मैं आज एक छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं, सबके साथ, अपने व्यूअर्स के साथ। मैं काफी देर से ताइवान की मार्केट ट्रैक करता हूं और उसके साथ मैं अपनी मार्केट को रखता हूं। हमारी मार्केट उनसे आगे चल रही थी। जब हम 12,000 के लेवल के ऊपर थे, उनकी 11,000 थी, आज वो 11,000 के लगभग है और हम 9,000 पे अड़के पड़े हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे मेरे को, अभी मैं 2 दिन पहले देख रहा था, वहां जो है कोरोना का सफाया हो गया है और हमारे यहां पे केस बढ़ रहे हैं। अब तो इस गति से बढ़ रहे हैं कि आगे क्या होगा कोई पता ही नहीं। जब लोगों को घर में बैठना था वो तब भी नहीं बैठे, अब जब बढ़ रहे हैं वो अब भी नहीं बैठ रहे। अब भी वो क्या, वो सड़कों पे पैदल घूम रहे हैं, निकल पड़े अपने घर की तरफ। कमी कहां है ये किसी ने देखा ही नहीं। 2 रुपए किलो चावल, 3 रुपए किलो आटा, ये मिल दिया हमने, 500 डाल दिया हमने, 1,000 डाल दिया हमने, ऐसा कर दिया हमने, वैसा कर दिया, फिर भी ये लोग निकले क्यों हैं सड़कों पे अगर आपने सब कुछ कर दिया तो? ये एनालाइज करने की कोशिश की आपने? और अब जो सारी सरकारें क्या अपने अपने वर्कर्स को बुला रही हैं, वो जो वर्कर्स का एडिशनल लोड पड़ेगा उनकी स्टेट्स पे, वो कैसे वो संभालेंगी? फैक्ट्रियां प्रोडक्शन कैसे करेंगी? डिमांड सप्लाई की जरूरत कैसे पूरी होगी? अगर हम बात करें किसी कंपनी की, कंपनी का शेयर जितना स्टेबल होगा उतनी कंपनी की जो है वैल्यू अच्छी होगी और वो मार्केट से पैसा इजिली रेज कर सकती है। अब देखो आज शेयरों की कीमत कहां पहुंच गई है। 5-5, 6-6 हजार वाला शेयर आज 2-2 हजार, 1500-1500 पे है, जबकि मैक्सिमम मार्केट्स में 2 महीने पहले जो शेयर नीचे गिरे थे आज वो वापस उसी लेवल पे पहुंच गई हैं। मैं मानता हूं कि हमारी जो, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, देश की जनता ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? कौन सा MP है, कौन सा MLA है जो लोगों के बीच में जा रहा है, उनके दुख दर्द बांट रहा है, पैदल लोग निकल गए हैं, कौन है उनको संभालने वाला? ये छोटी छोटी बातें थी जो आज जो है जो एड्रेस होना बहुत जरूरी था, जो इन 5 दिनों में देश की जनता ये चीज सुनना चाहती थी। कंजम्पशन कैसे बूस्ट होगी ये सुनना चाहती थी। बड़े बड़े जो फंड हाउसेस हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो ये देखना चाहते थे कि इंडिया कैसे इस प्रॉब्लम से निकलेगा जो यहां पे दिक्कत आई है। क्या खाली लोन देने से डिमांड हो जाएगी? क्या MSME की प्रॉब्लम सॉल्व करने से डिमांड हो जाएगी? जो मोदी जी के जो मिनिस्टर हैं वो भी ऐसी ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं कि कुछ कहने की बात नहीं है। कुछ स्टेटमेंट्स में लाया हूं, ये स्मृति ईरानी जी की स्टेटमेंट देखिए, वो क्या बोल रही हैं? सरकार पे डिपेंड नहीं होना। नितिन गडकरी जी थोड़े दिन पहले स्टेटमेंट देते हैं पैकेज आ रहा है, अब
जिस भी जो भी कर रहे हैं प्रेस, उसमें कह रहे हैं कि सरकार पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, लिमिटेशंस हैं। तो ये जो खुली पिक्चर है ये लोगों के सामने क्यों नहीं रख रहे? ये तो रखनी चाहिए ना। डिटेल्ड एनालिसिस करने का मेरा आज ये मकसद था कि हम सबको, वंस अगेन आई एम सेइंग टू यू, हम सबको जो है इस प्रॉब्लम से मिलके बाहर निकलना है। ये प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि इससे अकेली सरकार निकल जाएगी। एक यहां पे मैं किस्सा शेयर करना चाहता हूं। एक बार हमारे देश पे संकट आया था, लाल बहादुर शास्त्री जी तब प्रधानमंत्री थे, उतने ही प्यारे थे जितने आज हमारे मोदी जी हैं। तो तब उन्होंने देश की जनता से रिक्वेस्ट करी थी कि हमारे पास जो है पैसे का लिमिटेशन है कंट्री के पास। तो मैंने जो सुना है, जो मुझे सुनने में आया कि तब लोगों ने क्या अपना जितने बैंक बैलेंस, सेविंग सब कुछ था, इवन लेडीज ने अपना सोना तक निकाल के जो है वो देश के लिए रख दिया था। तो दोस्तों ये जो मुसीबत है ये देश के लिए मुसीबत बनी है। कुछ जो मेरे दोस्त हैं वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि मार्केट जो है यहां से 10,000, 11,000, 12,000 का लेवल जो है जल्दी छू लेगी। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि अभी इतनी जल्दी जो है मार्केट अभी ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि अभी देश देखना चाहता है, अभी जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सही इन्वेस्टर हैं, छोटा इन्वेस्टर जो है वो छोटी गेम खेलता है, जो बड़ा इन्वेस्टर है जिसने पैसा लगाना है वो अभी देखना चाहेगा कि हम लोग इससे कैसे जो है वो मुसीबत से निकल पाते हैं। और मुझे यकीन है मोदी जी के नेतृत्व में हम निकलेंगे इस मुसीबत से, भी हम छुटकारा पाएंगे। लेकिन जो एक एक्सपेक्टेशन थी, फ्रेंकली स्पीकिंग जो एक एक्सपेक्टेशन थी सरकार से, वो एक्सपेक्टेशन किसी की भी पूरी नहीं हुई। तो अब फिर क्या करें अगर पूरी नहीं हुई? तो हमारे पास एक ही चारा है कि हम सब मिलके जो है अपने अपने एंड पे प्रयास करें और इस मुसीबत से निकलने में देश अपने देश को इस मुसीबत से निकालने में अपना भी सहयोग दें। वो सहयोग कैसे हो सकता है कि जो हमारे पास माइग्रेंट लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो जहां पे हैं उनको रिक्वेस्ट करें कि आप यहीं पे रहो, यहां से मत जाओ, उनको वहां से ना निकलने दें। वो जिस जगह भी रह रहे हैं, जो उनके मकान मालिक हैं, उनको भी बोलो भाई आपको 2-3 महीने की परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको किराया की भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनको कोई खाने के लिए कुछ हेल्प चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो भी उनको कोशिश करें कि उनको मदद दें, या सरकार जो है कुछ ऐसा बनाए कि उनको मदद मिल सके, और ताकि वो वहां से ना निकलें। पहले हम इस मुसीबत से निकलेंगे तो ही हम जो है दूसरी मुसीबत से भी निकल पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि मैं अब अपना ये वीडियो एनालिसिस का खत्म करता हूं। तो जो मेरे दोस्त अभी मार्केट में काफी पॉजिटिव व्यू बना के चल रहे हैं, वो मार्केट तो अपने एंगल में चलेगी, जैसे चलेगी वो हम वैसे ही एनालिसिस करते रहेंगे। लेकिन जो ये 5 दिन का पैकेज था, इस पैकेज पे मैंने जो अपनी जो मुझे समझ में आया वो मैंने एक डिटेल चर्चा 20-25 मिनट की आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अच्छी लगे तो इसको जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और एक बात मैं जाते जाते बोलता हूं कि मोबाइल पे आपके सब्सक्राइब बटन है जहां आप देख रहे हैं, इसको बटन को इतना जोर से दबाओ कि ये मोबाइल आपका अगर बच गया तो बच गया, लेकिन बटन जो है वो दबते दबने से बचना नहीं चाहिए। बेल आइकन अगर वो भी दबा दोगे फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और मैं वीडियो खत्म करता हूं, तो कमेंट जरूर करना आपको कैसा लगा, कैसे विचार लगे, कैसा और हम मिलके सुधार कर सकते हैं, कुछ और भी आपकी सजेशंस होगी वो भी आप कमेंट में लिखिए, ताकि अगले वीडियो में अगर जरूरत पड़ी तो मैं फिर से ऐसा एनालिसिस द्वारा आपके लिए लाऊंगा। तो इसी के साथ मैं विदा चाहता हूं। जय हिंद।